फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंघाड़ा फ्लोर की कतली। और ये कतली बहुत अच्छी बनती है। और अभी आ रही है जन्माष्टमी, तो भोग में हम ये कतली ज़रूर बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ, एकदम अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। और रेसिपी आप फुल देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए बताते हैं। भोग की थाली की रेसिपी मैंने लास्ट ईयर दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें 5 तरह के भोग आपको मिलेंगे देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लें, पुष्पलता किचन 15 है। इस कतली को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बाउल सिंघाड़ा फ्लोर, और मैंने 1/2 बाउल लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर, यहाँ पे 1 बाउल मैंने मिल्क लिया है, नॉर्मल मिल्क है ये, और 1 बाउल मैंने शुगर, और 1/2 बाउल लगभग 3 स्पून मैंने घी लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सिंघाड़ा फ्लोर लिया है उसको भुनना है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा 1 चम्मच घी डाल दिया है मैंने। उसके बाद इसके अंदर हम ये फ्लोर डाल देंगे और उसके बाद इसे हमें भुनना है। तो इसे हमें लगातार हिलाते हुए भुनना है और एकदम लो फ्लेम पे भुनना है, क्योंकि ये सिंघाड़े का फ्लोर बहुत जल्दी जलता है। तो आपको बहुत धीरे धीरे इसको हिलाते हुए भुनना है। इसको तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है, तब तक हमें इसको चलाते हुए भुनना है। और बहुत अधिक नहीं भुनना है, नहीं तो बहुत फास्ट ये जलता है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है और एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मीन्स कि हमारा जो फ्लोर है वो भुन चुका है। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे, थोड़ा हिला लेंगे, जो थोड़े से लम्स जैसे दिख रहे हैं उसको हम इसको हेल्प से सही कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है, तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ सब। उसके बाद सेम कढ़ाई में ही हमको इसके अंदर ऐड करना है घी, यहाँ पे थोड़ा घी ऐड करना है, और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और गर्म करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो मिल्क हमने लिया है वो। तो यहाँ पे हम मिल्क में और मिल्क पाउडर का यूज़ करके बना रहे हैं, और पानी का यूज़ बहुत कम, मतलब मैंने 1/2 बाउल के करीब किया है। और अब यहाँ ऐड कर देंगे हम शुगर। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, इस तरह से हमें मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि अगर हम पानी के साथ बनाते हैं सिंघाड़े का कतली तो मतलब एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन अगर हम इसको मिल्क के साथ बनाएंगे तो बहुत टेस्ट अच्छा, जो ट्रेडिशनली बनता था वो जो सिंघाड़े का हलवा है या कतली है जो भी, वो दूध में ही बनाया जाता था। तो बस वही मैंने अपने मम्मी से, दादी से सीखा है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसको दूध में ही बनाया जाता था, पानी का यूज़ बहुत कम नॉर्मल की किया जाता था। तो अब जो हमने फ्लोर ठंडा हो गया है तो इसको हमने यहाँ पे अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसको हमें पहले क्यों मिलाना है, क्योंकि अगर हम अगर इसमें थोड़ा दूध और मैंने मिलाया है और तो इसका इस तरह का घोल बना लेना जिससे कि लम्स नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए हिलाते हुए इसके अंदर डाल देना है। तो हम पूरा इसके अंदर डाल देंगे और कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे तो चारों तरफ से। और हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो एकदम से गांठे से बन जाएंगी। तो इस तरह से हमें इसको हिलाते हुए बनाना है। तो इस तरह से हम बना रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको घोल के बनाना बताया, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका जो हलवा है वो बहुत अच्छा बनेगा और एकदम गांठे भी नहीं पड़ेंगी और एकदम परफेक्ट बनेगा। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सिंघाड़े का हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एकदम से उसके अंदर पानी डाल देते हैं, फिर इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेट जिसमें मुझे फैलाना है उसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है,
तो यहाँ पे अभी मैं देख रहे हैं आप कंटिन्यूस हिलाते जा रहे हो, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसको कंटिन्यूस चलाना होता है। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर ये बहुत जल्दी लगेगा भी और फिर जो है इसमें लम्स भी पड़ सकते हैं। तो हमें कंटिन्यूस, आप देख सकते हैं मैं दोनों हाथों की हेल्प से कभी इधर से हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि तो थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है तो दर्द हो जाता है हाथों में। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़ा सा घी बचा था वो घी भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और लास्ट में घी डालने से क्या होता है कि टेस्ट और दुगुना हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपने बनाया तो इस हलवे में हलवे का टेस्ट के साथ साथ आपको पेड़े का टेस्ट भी आएगा। तो अभी देख सकते हैं आप ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। जब इस तरह के हो जाए आपका ये बैटर तो ही आप इसको फिर समझ लीजिए कि ये परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे कढ़ाई छोड़ रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, जिस प्लेट में मैंने घी लगाया था उस प्लेट में हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं चमचे की हेल्प से इसको फैला लूँगी, और फैलाने के बाद फिर एक स्लाइड थोड़ा सा मिस हो गया है और मुझे लगा मैंने ऑन किया है कैमरा लेकिन शायद वो रह गया। तो इसको हमें हाथ में हल्का सा पानी लगाना है, वो मैं बता देती हूँ आपको, पानी लगाना है और उसके बाद इसको फैला लेना है फटाफट, क्योंकि गर्म में ही इसको फैलाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथों की हेल्प से फैला दिया है, और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, तो आप देख सकते हैं अभी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने चेक कर लिया है, एकदम परफेक्ट तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके पीसेस करेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुकीज़ कटर का इस्तेमाल किया है और उससे क्या है कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ कुकीज़ कटर से ये कट किया है, तो आप चाहें तो बर्फ़ी के शेप में भी, यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई है, मम्मा मैं काटूँगी, उसको वो शेप बहुत पसंद है, हार्ट शेप, तो वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, कट नहीं करने दे रही थी, देखिए कैसे कट कर रही है, फिर इसीलिए मैं वीडियो में भी उसको दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप आसानी से इसको कट करके निकाल सकते हैं। अब मैं इसको डेकोरेशन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेट में ले लिया है और बाकी जो बचा है पीसेस उसको हम अलग कर दिए हैं, और यहाँ पे मैं पिस्ता ली हूँ, पिस्ता से मैंने यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये मेरा बनके सिंघाड़े का कतली बोले या बर्फ़ी बोले, जो भी आप बोल सकते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा सॉफ्ट बना है एकदम। देखिए मैंने एक हाथ से ही इसको तोड़ा है, देख सकते हैं आप, और बहुत टेस्टी बना है। फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया है ये रेसिपी तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और आप नहीं बनाते हैं तो बनाएँ, और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाया तो कैसा लगा। तो और किसी रेसिपी की डिमांड हो तो ज़रूर बताएं। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।